खबर छतरपुर से आ रही है, जहां लाल कड़क्का रामलीला समिति के नेतृत्व में रावण निर्वाण और रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लाल कड़क्का रामलीला समिति के सचिव नरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि लंकापति रावण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत का पुतला विगत 12 दिनों से बनाया जा रहा है, जिसमें रावण का पुतला 51 फुट, कुंभकर्ण का 41 और इंद्रजीत का पुतला 31 फुट का रहेगा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वृंदावन धाम से साध्वी प्रज्ञा भारती पधार रही हैं। इनके साथ साथ छतरपुर के जनप्रतिनिधि भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विजयादशमी पर्व पर रावण दहन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाल कड़क्का रामलीला समिति के संरक्षण मनोज दोसाज ने बताया कि रावण निर्माण कार्य में आगरा से आए हुए कलाकारों ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया है और लगभग 99% काम पूरा हो चुका है। बता दें कि इस बार आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 के खेल मैदान में किया गया है, जिसमें रावण दहन शनिवार रात किया जाएगा। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। जी जी, राम दशहरा का जो आयु अभी ये लाल कड़क्का रामलीला समिति द्वारा किया जा रहा है इस वर्ष, और ये रावण के पुतले का निर्माण करीब 51 फुट होगा उसकी ऊंचाई, और कुंभकर्ण के पुतले का जो ऊंचाई है वो 45 फुट होगी और 40 फुट का करीब मेघनाथ का पुतला रहेगा। इस पुतले को बनाने में कुछ कारीगर अपने आगरा से आए हुए थे और आगरा के कारीगरों ने पूरा स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया है। अब जो इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है वो अपने स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। और रावण का कार्य विगत तकरीबन 20 दिन से चल रहा है, जिसमें आगरा के कुछ कारीगर आकर ढांचा उन्होंने तैयार किया। बाकी जो फिनिशिंग का काम है वो स्थानीय कलाकार दे रहे हैं। विगत 4 वर्षों से मैं रावण का अभिनय कर रहा हूँ उस रामलीला में।